बीएसएफ में हवलदार संजय कुमार का बुधवार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दी। बीएसएफ के कंपनी कमांडर बाईके मेहरा स्थित आए जवानों व पुलिस की टुकड़ी ने हवा में फायर कर उन्हें सलामी दी। बुधवार को जैसे ही हवलदार संजय कुमार का पार्थिव शव घर पहुंचा तो सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। बता दें कि ब्लॉक फतेहपुर के अंतर्गत पड़ती पंचायत मैरा के निवासी संजय कुमार बीएसएफ में हवलदार के पद पर तैनात थे और अगरतला उड़ीसा में कार्यरत थे। शहीद संजय कुमार करीब 25 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही संजय कुमार अपने घर में छुट्टी काटने आए थे। छुट्टी काटने के उपरांत राजस्थान चुनाव में ड्यूटी दी और करीब 3-4 दिन पहले ही अगरतला पहुंचे। सोमवार को यूनिट से उनकी पत्नी को फोन आया कि संजय कुमार को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो अब ठीक हैं। उसके करीब आधा घंटे बाद दोबारा से फोन आया कि संजय कुमार की मौत हो गई है। ये समाचार सुनकर परिजनों और गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त आईजी रमेश चंद, एसडीएम ज्वाली अरुण शर्मा, ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर सहित काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। हवलदार संजय कुमार अपने पीछे पत्नी व दो बेटे छोड़ गए हैं। एनस्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।